संसद के विशेष सत्र का आगाज हो चुका है और सत्र शुरू होने से पहले हमें वो तस्वीर भी देखने को मिली जिसमें सभी विपक्षी नेता एक साथ नजर आए। इस दौरान हाथों में संविधान की प्रति लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव और अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी नजर आए। वहीं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहे। जब सोनिया गांधी वहां पहुंची तो अखिलेश यादव ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का परिचय खासतौर पर सोनिया गांधी से करवाया। इसके बाद क्या कुछ हुआ आप खुद ही सुन लीजिए। कंग्रेचुलेशन आप सबको, एट हो गए हम। देर से आए दुरुस्त आए। हेलो नमस्कार मैम, छोटा वाला हम लोग बड़ा लेके आए। अरे भाई वहीं अवधेश प्रसाद ने इसके बाद मीडिया से भी बात की। उन्होंने अयोध्या की जनता को लेकर क्या कुछ कहा वो सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। समाजवादी पार्टी का स्वाभाविक तौर पे ये पार्टी का एजेंडा होगा, वो पार्टी का कौन सा एजेंडा है जो अभी तय होगा? लेटर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मीटिंग के लिए कोई खास प्लान? हाँ है, प्लान है बढ़िया। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले दिन समाजवादी पार्टी के सांसद हाथ में संविधान की प्रति लेकर संसद पहुंचे। उनके इस काम से कांग्रेस हाईकमान खुश हुआ और उन्हें बधाई दी। सांसदों के मामले में सपा इस बार तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के 37 सांसद चुने गए हैं। जब 18वीं लोकसभा के पहले दिन सभी सांसद संसद पहुंचे, उनके हाथ में संविधान की किताब थी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव समेत कई सांसद साथ दिखे। सभी के हाथ में संविधान की किताब थी। और इसी दौरान अवधेश प्रसाद का सोनिया गांधी से अखिलेश यादव ने परिचय करवाया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन आप सबको, देर से आए दुरुस्त आए। हेलो नमस्कार छोटा वाले हम लोग बड़ा लेके आए। ये अयोध्या के हैं अभी जी।